हेलो गाइस, वेलकम टू एस वाइन। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बनेली 300, जिसमें करने जा रहे हैं सर्विस और काफ़ी काम है, जैसे सोशल सीन वगैरह हो गया तो वो तो करने जा रहे थे, और साथ में एक चीज़ और इसके अंदर प्रॉब्लम आ गया, वो वीडियो के अंदर ज़रूर आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी क्या दिक्कत है इसके अंदर, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाई है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। और दोस्तों पर डे की नॉलेज लेना चाहते हो तो मुझे आकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पे मैं स्टोरी के जरिए आपको नॉलेज देता रहता हूँ। और दोस्तों व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, कसम से पहले जितने ज़बरदस्त व्यूज़ आते थे अब शायद कम आने लगे हैं, या तो वीडियो में इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा हूँ। बट दोस्तों वीडियो में वही बनाता हूँ जो फॉल्ट वाली होती है, जैसे कि किसी चीज़ को ठीक करना, वो मैं ज़रूर आपको दिखाता हूँ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बाइक दिखाता हूँ, फिर करते हैं आगे का काम। तो ये है हमारे पास 300, जैसे करके देख सकते हो यहाँ से पूरा सब कुछ खोल चुके हैं। दोस्तों देख सकते हो जैसे कि ये फ्रंट साइड से जो सस्पेंशन है यहाँ पे ये सारा लीक हो रहा है, तो इसकी डलेगी शोकर सील, और ये दोनों साइड से है, इधर से भी है और इधर से भी है, तो दोनों तरफ से है। और इसमें हम जो करने जाते हैं सर्विस के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि इसका एयर फिल्टर क्लीन कैसे होता है और कहाँ पर होता है, ब्रेकें वगैरह सब कुछ चेक कराएंगे आपको। तो उससे पहले दोस्तों जैसे कि मैं इसके अंदर सर्विस कर ही रहा था और शुरू कर चुका था काम, तो जैसे ही मैंने इसका इंजनल खोला, पर उससे दोस्तों पहले मैं जो इसके अंदर डालता हूँ वो डालता हूँ इंजन फ्लश शूटर, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो हमने उसमें क्या करा था, गाड़ी 10 मिनट स्टार्ट करी थी, इंजन फ्लश शूटर जो कि मैं लिक्विड मोली का इस्तेमाल करता हूँ, मेड इन जर्मन ब्रांडेड चीज़ ही मेरी शॉप पर मिलेगी बस आपको। तो 10 मिनट के लिए जब हमने गाड़ी को स्टार्ट किया इसके अंदर इंजन फ्लश शूटर डाल के, और उसके बाद किया हमने इसका इंजन ऑयल का नट जब खोला, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 19 नंबर का नट है, तो ये जो 19 नंबर है ना ये देखिए ये इसका इंजन ऑयल निकला है। आप देख सकते हो इसके अंदर कि इंजन ऑयल कम कूलेंट ही सबसे ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि इस बाइक के अंदर इंजन ऑयल कम कूलेंट ज़्यादा डाल दिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कितना ज़्यादा एकदम से सारा कूलेंट निकल चुका है, और कूलेंट क्यों मिक्स हुआ है तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये है वाटर पम्प का कवर, और इसके अंदर वाटर पम्प की सीले, तो ये हम सब खोलेंगे। और उससे पहले करते हैं इसके अंदर एयर फिल्टर वगैरह के क्लीन वगैरह सारा काम होगा, तो और साथ में ये दिखा दिया जाएगा किस तरीके से इसकी वाटर पम्प की सील डाली जाएगी। तो सबसे पहले खोलते हैं इसकी टैंकी, और टैंक खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दी होती है 5 नंबर वाली चीज बोल्ट, तो इस तरीके से ये खोल जाएगी फिर, और इसके पीछे करेंगे तो टैंक के नीचे आपको देख रहे हैं पे एयर फिल्टर है ये रहा। पाइप होता है और चौथा होता है यहाँ पे ये वाला कपलर, तो ये हमारा एयर फिल्टर बॉक्स, तो इसको खोलेंगे सबसे पहले और इसके बाद निकलेगा इसके वजह से एयर फिल्टर, और देखते हैं एयर फिल्टर की क्या हालत है। इस कपलर को हटा देते हैं, और इस कपलर का बहुत बड़ा महत्व होता है, अगर इसको हटा के गाड़ी स्टार्ट कर दोगे तो माल फंक्शन की लाइट आ जाएगी। एयर फिल्टर, तो आप देख सकते हो इस एयर फिल्टर को क्लीन कैसे करेंगे, इसको करेंगे क्लीन डीजल से और इसके बाद इसे फिट करते हैं, तो करते हैं फिर इसको क्लीन ऑन कर। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स है ऊपर वाला, इसके अंदर भी कूलेंट आ चुका है यहाँ पे, देख रहे हो आप यहाँ पे सारा इसमें कूलेंट आ चुका है स्लज, ये देखिए इसके अंदर भी ऊपर तक कूलेंट आ रहा था, वाटर बॉडी से भी देखो पार होके कूलेंट आया हुआ है यहाँ पे भी, तो कूलेंट वाली वीडियो तो बनी रही है। तो यहाँ पे हमारा जो एयर फिल्टर क्लीन हो चुका है, कर चुके हैं इसको क्लीन और हो चुका है फिट, तो अब लगाते हैं इसका कवर, करते हैं फिर टैंकी को पूरा प्रॉपर फिट। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि हम आ चुके हैं अपने वाटर पम्प की तरफ, और वाटर पम्प कहाँ पे लगा होता है मैं आपको बता दूँ, मैग्नेट कवर के जस्ट नीचे
यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दो पाइप आ रहे हैं रेडिएटर से होते हुए, ये यहाँ पे है वाटर पंप का कवर। सबसे पहले खोलेंगे ये वाला एक छोटा सा पाइप, कुछ इस तरीके से हट जाएगा और इसके अंदर देख रहे हो जैसे कि ये एयर बन गई पूरी। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत जो कूलेंट है वो रह गया है उसको निकाल लेते हैं। तो ये वाले पाइपें कुछ इस तरीके से हट जाएंगे यहाँ पे। ये पाइप है तो यहाँ पे ये दोनों पाइप इस तरीके से हटा लेना है। और अब खोलते हैं इसके वाटर पंप के कवर को। और इसे खोलने के लिए 8 नंबर के बोल्ट दे रखे हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये इसका पिस्टन है, इसके अंदर बैठेगा और सीधा नहीं निकालना, हल्का सा इसको ऐसे घुमा के निकालना और ऐसे ही जाएगा। तो ये आ गया हमारे हाथ में वाटर पंप पूरा कंप्लीट। तो ये जो हमारे हाथ में आ चुका है ये वाटर पंप की असेंबली है। और वाटर पंप की सील इसके अंदर है, यहाँ पे फिट करना है इसके अंदर। और ये शाफ्ट है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ छोटे से टाइमिंग होते हैं बताना चाहूँगा। ये जिसका लॉक है वो अंदर भी एक शाफ्ट है जिसमें फंसेगा, जैसे कि नॉर्मल होता है हर बाइक के टाइमिंग के अंदर, जैसे R15 होगी या और भी सी बाइकें हैं सब में होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर फंसेगा, इसलिए इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी, आराम से इसको लॉक बाय से घुमाना है और ये अंदर आकर बैठ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसको फिट। और फिट करने से पहले जब भी आप इसको लगाते हो हल्का यहाँ पर इंजन ऑन लगा लें ताकि वो आराम से यहाँ बैठ जाए और कोई दिक्कत ना हो फिटिंग करने में। तो देखा आपने किस तरीके से बैठेगा। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमाना है और जो अंदर का सेंटर शाफ्ट है और जो वाटर पंप की शाफ्ट है दोनों सेंटर एक होना चाहिए। अगर ये हल्का सा भी सेंटर आउट है तो बैठेगा नहीं, तो इसलिए जब भी उठाना है उसको सेंटर मिला के उठाना है। और ये जो दो बोल्ट है इसके, ये लंबे वाले जो होते हैं, इन दोनों को बराबर तरीके से टाइट करना है। और बाकी जो कूलेंट का पाइप होता है वो इस तरीके से लग जाएगा जैसे आपने खोला है, सेम लग जाएगा। तो और लगाते समय इस हल्का सा जो अपनी जो ऑल्डरिंग होती है रबड़ की, जब उसे लगाओगे फिट करोगे इसको तो हल्की सी कट करके आवाज आएगी ताकि वो पता लगे हमें कि बैठ गया। अगर आपके बैठाते समय कट करके आवाज नहीं आती तो समझो ये आपको प्रॉपर बैठा नहीं है या आउट साउट में बैठ गया। तो जो इसको टाइमिंग को अंदर वाली और बाहर की शाफ्ट को टाइमिंग को प्रॉपर देख के मिलाना है और जब ये बैठेगा तो एक अलग सी आपको आवाज़ आएगी। तो ये तो आपने देख लिया कैसे बैठा और किस तरीके से बैठाना पर देख लिया। तो चलिए अब डालते हैं इस बाइक के अंदर कूलेंट। तो जैसे कि आपने देखा कूलेंट यहाँ पे ऊपर तक भर चुका है, इसके पूरे गले तक कूलेंट भर गया है हमने। अब इसको लगाते हैं ढक्कन को और फिर करते हैं इसका ऑयल फिल्टर चेंज और फिर डालते हैं इंजन ऑयल और फिर देखते हैं क्या अब भी इंजन में कूलेंट मिक्स हो रहा है या नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और जैसे आप सबको पता है ये इसका ऑयल फिल्टर देख सकते हो, ये इसका ऑयल फिल्टर। और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये कौन सी बाइक का ऑयल फिल्टर है, क्योंकि ये बेनेली 300 का ऑयल फिल्टर तो नहीं है, ये किसी और बाइक का लगा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कार का इसके अंदर लगा दिया हो। और इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये टूल लेना पड़ेगा और इसको इस तरीके से लगाना है यहाँ पे और फिर इसको खोलेंगे। तो चलिए मैं सीधा आपको खोल के दिखाता हूँ। तो
तो यहाँ पे देख सकते हो अपना ऑयल फिल्टर बाहर आ चुका है ये रहा। और जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑयल फिल्टर के अंदर सारा कूलेंट मिक्स हो गया है। ये देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें कॉफ़ी मिला दी हो। और यहाँ पे देख लो सारा कूलेंट है, ये सब इंजन ऑयल के अंदर कूलेंट मिक्स हो गया। तो अभी इसको करते हैं साफ और फिर करते हैं इसको फिट। तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ हम डालने जा रहे हैं इंजन ऑयल, और इंजन ऑयल डालेंगे इसमें पुराना। और जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल फिल्टर, देख सकते हो ये है ऑयल फिल्टर पुराना और ये है ट्रम्स बाइक का, क्योंकि ऑयल फिल्टर हमें ऑलरेडी चेंज करना और ये है ख़राब। इसके अंदर अभी कूलेंट और भी हो सकता है, इस तरीके से मुझे पता लग रहा है, क्योंकि जैसे हमने ऑयल फिल्टर खोला और सारा कूलेंट बाहर आ गया। तो अगर हम इसमें नया इंजन डाल देंगे तो वो भी कूलेंट उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंजन को फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश हम कोई लिक्विड डाल के नहीं कर सकते, इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये पुराना इंजन ऑयल इसके अंदर डालना पड़ेगा और 5 से 10 मिनट तक बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोबारा इस ऑयल को ड्रिंक करेंगे, नट को ऑयल के नट को ड्रिंक करेंगे, जिससे कि हमारा इंजन के अंदर पूरी सफाई हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें नया इंजन ऑयल डालेंगे। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर पुराना इंजन ऑयल। और ये देख सकते हो इसमें ये पुराना इंजन ऑयल जा रहा है इस बाइक के अंदर। और इस बाइक को बिना एक्सीलेटर दिए 10 मिनट से 5 मिनट तक स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारा इंजन है वो अंदर से प्रॉपर साफ हो जाए, कूलेंट की जरा से भी अंदर मात्रा ना हो, जिससे कि हमारे इंजन को कोई दिक्कत हो। चलिए करते हैं बाइक को स्टार्ट, और कम से कम इसे 10 मिनट बाइक को स्टार्ट रहने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अपनी गाड़ी कम से 10 से 15 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट थी, और इंजन में से पूरा कूलेंट अच्छी तरह बाहर आ चुका है। देख सकते हो इंजन हमारा अंदर से साफ हो चुका है, क्योंकि ये जो इंजन ऑयल अब साफ आ रहा है, देखो हल्का हल्का इसमें कूलेंट बाहर आ रहा है। इंजन हमारा अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। और अब खोलते हैं अपना ऑयल फिल्टर, जो कि जो हमने लगाया पुराना, उसको खोलते हैं और उसको चेक करते हैं क्या उसके अंदर तो नहीं कूलेंट आ गया। तो चलिए अब आपको खोल कर दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हो यहाँ भी पूरा अच्छी तरीके से कूलेंट जो निकल चुका है, और ये ऑयल फिल्टर देख लो इसके अंदर आ चुका है थोड़ा थोड़ा। तो उसको रखते हैं साइड में, क्योंकि हमें ये सब चेंज करना है। तो ये अपना ऑयल फिल्टर है बनाने का नया, जैसे आपको मैंने बताया था। और ऑयल फिल्टर लगाने से पहले यहाँ पे इसके अंदर इंजन ऑयल डाल लें, और ये जो रिंग होती है इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से इंजन ऑयल लगा लें, ताकि ये यहाँ से लीकेज ना हो। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ऑयल लगाना चाहिए, तो वैसे ही हम इसमें लगाते हैं ऑयल और फिर करते हैं इसको फिट। और ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसके अंदर इंजन ऑयल साफ डाल दिया है, और अब करते हैं इसको फिट। तो चलिए तो इसमें इंजन ऑयल देख सकते हो, ये है मोटुल का इंजन ऑयल डाला है इस बाइक के अंदर। ये डलता है इसके अंदर मोटुल का इंजन ऑयल। और यहाँ पे दोस्तों फाइनली होती है वीडियो कंप्लीट। यहाँ पे जो अपना इंजन ऑयल था वो डल चुका है, लेकिन एक और इस बाइक में दिक्कत आ गई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।